काले कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान 6.5 माह से आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार को कृषि कानून लागू हुए 1 साल पूरा होने पर किसानों ने विरोध स्वरूप दलपतपुर टोल के धरना स्थल पर कृषि कानून बिल की प्रतियां फूकी। आंदोलित किसानों ने कहा कि सरकार कृषि कानून को किसान हित में बताकर वाहवाही लूटने में लगी है, लेकिन किसान जानता है कि कारपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। कृषि कानून से किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। टोल पर शनिवार को 10वें दिन भी भाकुई नेताओं ने धरना जारी रखा। वहीं काट में तहसील अध्यक्ष संघ कई क्षेत्र में भाकुई किसानों ने प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन सौंपे। दलपतपुर टोल पर 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भाकुई नेताओं ने शनिवार को 1 साल पहले लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में कृषि कानून बिल की प्रतियों को फूका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि 6.5 माह से किसान सरकार द्वारा जबरन थोपे कानून को वापसी लिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुनी कर कृषि कानून को किसान हित में बताते हुए गुमराह कर रही है। सरकार किसानों की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तहसील अध्यक्ष नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार जिस कृषि कानून की तारीख के पुल बांध रही है, उनके साथियों ने इसी बिल की प्रतियों को टोल पर जलाकर विरोध दर्ज किया। नेताओं ने कहा कि आने वाले चुनाव में किसान अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को कराएगी। धरना स्थल पर विरोध जताने वालों में डॉक्टर चरण सिंह, जिला उपाध्यक्ष रामोतार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महबूब गुड्डू पाशा, राम बाबू, माखन सिंह, विकास चौहान, डॉक्टर नरेश, अजय पाल, बलबीर सिंह, अमर पाल सिंह, सियाराम आदि मौजूद रहे। हमारे राज्य के आह्वान पर तीनों कृषि कानूनों को 1 साल पूरे होने पर हमारे टोल टैक्स मुंडा पांडे पर 10 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन पर हमने धरनारत आंदोलन के बीच हमारे किसानों ने मिलकर के तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई हैं और काले कानूनों को यही हमने फूका है और ये प्रण लिया है और ये आह्वान किया है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे, ये आंदोलन चलते रहेंगे। और एक चीज़ और है, आज हरियाणा में टोहना टोल पर टोल टिकैत साहब बैठे हुए हैं। टिकैत साहब ने वहाँ ऐलान किया है कि अगर हमारे किसानों से मुकदमे वहाँ के किसानों से मुकदमे वापस ना हुए तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर प्रशासन गिरफ्तारी या उन्हें छूने की हिम्मत करता है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और हम जेलों को भर देंगे, पूरे देश के किसान जेलों को भर देंगे। और ये 10वें दिन आंदोलन का नहीं है, आज जो कृषि काले कानून हुए हैं इनको आज 1 साल हो गया। 5 जून सन 2020 को जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम सरकार ने किसानों के ऊपर ये कानून थोपे लागू करने की बात कही, उसी दिन से किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और आज इसको 1 साल हो गया। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसकी प्रतियाँ जलाई है कानून की और इसका विरोध करते करते हम लोगों को 6.5 महीने बॉर्डरों पर पड़े हुए हो गए, 10 दिन यहाँ टोल टैक्स पे हो गए, सरकार सुन नहीं रही। तो भाई जब हम कोई चीज़ मांग ही नहीं रहे तो सरकार क्यों दे रही है ज़बरदस्ती? जब हम उसको मांग ही नहीं रहे तो सरकार क्यों दे रही है? सरकार देवे रोजगार, देवे सरकार देती शिक्षा, देवे सरकार देवे अगर तो चिकित्सा देवे,